इसरो ने रचा इतिहास। विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किया सॉफ्ट लैंडिंग। इस मिशन के महत्व को समझें। इसरो ने इतिहास रच दिया है। विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका है। इसी के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसकी लौ चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत चौथा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल की। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ये कारनामा कर दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ सही रहा तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश बन जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला है। अगर इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यदि लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 के सेंसर ठीक से काम ना भी करें तब भी चांद की सतह पर लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंड करने वाला है। लैंडर विक्रम के चांद पर लैंड होने के बाद रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा और चांद की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देगा। इस मिशन से भारत को क्या होगा हासिल? इस मिशन के जरिए भारत की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों की माने तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की काफी कम जानकारी दुनिया के पास मौजूद है। इस मिशन के लिए इस दक्षिणी ध्रुव की कई अहम जानकारी भारत को हाथ लग सकती है। आपको बता दें कि दक्षिणी ध्रुव में ज्यादातर समय छाया रहती है। इस क्षेत्र का तापमान बहुत कम रहता है। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि दक्षिणी ध्रुव पर तापमान कम होने की वजह से यहां पर पानी और खनिज की मौजूदगी भी हो सकती है। वहीं कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि क्षेत्र में बर्फ जमा होने की बातें कही हैं।